जेल में बंद होकर खाना खाना पड़ेगा, सोचा नहीं था। अब हुआ कुछ ऐसा, हमारे चैनल धीरज के ब्लॉग पर आप सबके प्यार से 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए थे, लेकिन इन लोगों की पार्टी रह गई थी, तो आज ये पार्टी लेने आए हैं। अब रीना और शेखावी साथ चलने के लिए कह रही थी, लेकिन जहां हम जा रहे थे वो जगह बहुत दूर थी और मम्मी ने इन दोनों को इतने दूर ले जाने से मना कर दिया था। तो फिर क्या रीना रोने लगी और यह पागल चाकू लेकर पहले नीरज भाई को और फिर बाद में मुझे धमकाने लगी, लेकिन मैंने शेखा से कहा टेंशन ना ले, आते समय खाने के लिए कुछ ले आऊंगा, तो यह तुरंत मान गई। फिर मैंने मम्मी को बाय बाय किया और गाड़ी उठाकर निकल आई। अब आ गया अनिल, इंतजार कर रहा था तो हमने ऐसे भी उठा लिया। अब पता नहीं क्यों उसको जरूरी मौकों पर ही प्यास लगती है। फिर क्या उसकी प्यास बुझाई और आ गए जेल हाउस। अंदर घुसते ही मुझे दिखा कि यहाँ पे लेडीज का सामान ही बिकता है, जो तुम्हारे धीरज भाई के किसी मतलब का नहीं है। ये दुख कैसे तुम नहीं होता बे? अब जैसे ही मैंने मेन्यू देखा तो मेरा तो कलेजा निकल कर बाहर आ गया, लेकिन इनको कहने को तो सिर्फ खाने से मतलब है। खैर फिर बैंक का गला घोट कर मैंने खाने में कढ़ाई पनीर और तंदूरी रोटियां मंगा ली। ये पहली बार था कि हमने जेल में बैठकर खाना खाया है। अब घर जाने से पहले मैंने दोनों बहनों और मम्मी पापा के लिए बादाम शेक पैक करा लिया। हमेशा की तरह मम्मी को कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया, लेकिन इसे खाते ही इन दोनों का तो खुशी का ठिकाना नहीं था।